गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल आपको वीडियो नहीं मिल पा, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था इसलिए नहीं मिल पा रहा। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और अपने जो हम लोग मैथ में वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे ना, उस चीज़ को जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, तो आज हम उसी को उसके आगे से आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर हमारा होगा बल्कि 11 कुछ नंबर 11 क्या है, कुछ नंबर 11 है हमारे पास 7396 का वर्गमूल है। ऑप्शन आपके पास है ऐसे 85, 84, 83 और एक ऑप्शन आपका है 86। दी ऑप्शन है हमारे पास, आपको बताना है कि जो नंबर हमारी है वो इनमें से किस नंबर का वर्ग है। आप हमको डायरेक्टली हम कैसे बताएं 7396 का वर्गमूल क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। वैसे तो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करें और पेयर बना लें करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमें कैसे करें, कैसे जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट वाली डिजिट इसको हमें देख लेना है। और हम ये जानते हैं कि भाई या तो कोई संख्या हमारी क्या होगी, सिक्स कब कब आ सकता है, किस संख्या के स्क्वायर करने पर आ सकता है, किस संख्या का वर्ग करने पर सिक्स आ सकता है। तो 6 का वर्ग करोगे आप तो आपको लास्ट में क्या मिलता है, हमसे लास्ट का डिजिट है ना वो सिक्स मिलेगा। भाई मिलेगा कि नहीं, 36 होगा, लेकिन लाख के डिजिट की हम बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 6 मिलेगा। और कोई नंबर ऐसे इसका स्क्वायर करने पर 6 मिल रहा है तो वो 4 है, क्या है 4। अब ये तो बात हमारी क्लियर हो गई कि इसमें से और इसमें से कोई नंबर हो सकती है। अब इसमें से कौन सी होगी कैसे जाने हो, तो उसके लिए हमें करना क्या है, पहले यहाँ पे दोनों नंबर लिख लो, 4 और 6 लिख लिया आपने, ठीक है। अब जब भी स्क्वायर की बात वर्गमूल की बात करेंगे हम, तो यहाँ से दो डिजिट आप छोड़ दीजिएगा, क्या करेंगे दो डिजिट हम बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद क्या बचा है 7-3, अब 7-3 बचा है। अब हमको ये देखना है कि जो 7-3 है किस नंबर के स्क्वायर के पास का नंबर है, अर्थात कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर कर दें तो हम 7-3 के पास में पहुंच जाए, इसके आगे न पहुंचे। तो हमने यहाँ पे 8 देखा कि जो 8 है ना इसका स्क्वायर करेंगे तो हम इसके पास पहुंच जाएंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे, है ना। तो इतनी बात अब आप यहाँ तक देख लो, समझ लो। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो नंबर हमारी है 6, वो तो 4 के स्क्वायर में आएगी या फिर 6 के स्क्वायर में आएगी, तो हमने दो हमारे पास चांस थे, दोनों को हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हमने कहा कि मैं वर्गमूल ले रहा हूँ तो दो डिजिट आप छोड़ दीजिएगा, फिर बाकी जो बचा है 7-3, इसे देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर करें तो हमें 7-3 जो है 7-3 के पास में पहुँच सकते हैं। तो हमें पता चला कि हमारा जो 8 है, ये नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7-3 के
तो ये लिख लिया। अब क्या करोगे, अब 8 में 9 से इंटू कर देते, फिर देखते कितना है 7 2। तो ये जो नंबर है और ये नंबर है, इनकी कंपेरिजन कर लेंगे, इसमें कौन बड़ा है। ये नंबर अगर बड़ी हो जाए, ध्यान रखना है कि अगर ये नंबर बड़ी हो गई तो आप इस नंबर को बड़े वाले के सामने रख दोगे जा करके, और आंसर आपका क्या हो गया 86। इस नंबर को बड़े नंबर के सामने रख दोगे, अगर ये बड़ी हो जाए नंबर तो। चलिए एक एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पर, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये है 1256 यानी कि 1256। फिर से हमको वही करना है यहाँ पर कि यहाँ पर 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। फिर से हमको दो नंबर बिल्कुल छोड़ देने हैं, इतने कोई हमें ध्यान करना है, हमको एक ऐसी नंबर चाहिए जिसका इसका करने पे हम 12 के पास पर पहुँच जाए, है ना। तो अगर 4 ले रहे हैं तो हमारा 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 ले पाएंगे। अब 3 के आगे एक एक बढ़ा करके ना 4 इसमें लिखा कर देते हैं, तो कितना हुआ 12 हुआ। जब बड़ा, ध्यान रखना है, मैंने बराबर की बात नहीं बताया, लेकिन बराबर आ जाए तो क्या करें, बराबर आ जाए तो क्या करें हम। तो फिर से हमको क्या करना है, जब बराबर आ जाए तो फिर हमको इसको कहाँ रखना है, इसको इस वाले नंबर को छोटे पर ही रखना, कहाँ रखना है छोटे पर ही रखना। चेक कर सकते हैं इसका स्क्वायर करके, चेक कर लीजिए। कैसे करते हैं बताया था पिछली वीडियो में, बताया था कि स्क्वायर करने के लिए पहले इसका स्क्वायर तो कितना हुआ 16, 1 कैरी हो गया, एक हासिल हो गया ना, 4 का स्क्वायर 16, एक हासिल हो गया। फिर इन सब की मल्टीप्लाई 3 × 12, 12 × 24 = 25, फिर हासिल आपके 2, कैरी 2 हो गया। फिर क्या करते हैं इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, 9 × 2 = 11, कितना आया इतना, सॉरी सॉरी। तो ये जो है हमारी यहाँ नहीं आ रही, कहाँ आई, यहाँ 36। यानी कि जब बड़ा और बराबर होगा तो इसको हम इस पर रखेंगे, छोटे के लिए जब छोटी हो जाए तभी छोटी पर रखेंगे, वैसे नहीं रखेंगे, बड़ा बराबर के लिए देख ध्यान रख, ठीक है। आप फिर से चेक कर सकते हो अगर डाउट है कोई, तो फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर 18 × 18 कितना हुआ 36 हुआ, 36 हुआ। और कैरी कितना था, हाँ 3 कैरी था, 3 कैरी था, फिर से गलत हो रहा है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हुआ 36, आपने 36 लिख दिया, 3 कैरी हो गए। फिर इनकी मल्टीप्लाई 18 × 18 = 36 में 3 मिला लो तो 9 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर किसी का स्क्वायर है भी कि नहीं है, ये नंबर जो हम लोगों ने ली है ये ऐसे ही मैंने लिख दी थी, तो ये नंबर है ना, ये नंबर पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये नंबर ही हमारी सही नहीं है। नंबर यहाँ पे कितना होना चाहिए था 96 होना, ठीक है। वो मैंने लिखी थी तो वो मैंने ऐसे लिखी तो वो नंबर जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक मतलब, लेकिन मुझसे मिस्टेक हुई है, लेकिन जब क्वेश्चन आपका कि बुक में लिखा होगा तब मिस्टेक थोड़ी होगी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इसका वर्ग तो जाहिर सी बात है परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी, है ना। तो अपने आप लिखने की वजह से इसमें गलती आई थी, तो क्या होना चाहिए हमें 1296 होना चाहिए, ठीक है 1296। अब करते हैं इसको हम करेंगे तो फिर हमारा इसका स्क्वायर करना है 9 और कितना 3 = 1296, यानी कि इसको रखना छोटे भी तभी रखना है जबकि छोटी पड़ जा रहा है, इतना अभी बराबर है तब भी हम इसको बड़े बड़े ही रखते हैं। चलिए कोई दिक्कत है तो फिर से आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा, और दूसरा जो है हम अभी जब भी आगे जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप, 5 square root 5
स्क्वायर रूट फाइव टाइम है आपके पास, सिक्स टाइम है, 1 2 3 4 सिक्स टाइम आपका रूट फाइव ये इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, पहले ये नंबर इसी नंबर को लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं इसकी पावर लगाते हैं 2 हर कंडीशन में, फिर 2 की पावर कितनी लगाते हैं, 2 की भी पावर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 है तो 2 की पावर 6 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसमें माइनस 1 करोगे, कितना करेंगे माइनस 1, ये माइनस 1 इधर है, पावर में माइनस 1 नहीं है, पावर ऊपर है आपकी, ठीक है। और इसके अपान में आप क्या जाएगा, 2 की पावर 6 रहेगा, किसके अपान में, इस पावर की अपान में 2 की पावर 6। तो आप कितना हुआ, 5 की पावर माइनस 2 की पावर 6 कितना हुआ, 64 में से एक माइनस हो जाएगा, 63 अपान में 64, ये आपका आंसर। बस यहाँ पे देखिएगा कि अपान में जो नंबर रहेगी उससे एक कम ऊपर रहेगा हमेशा, क्योंकि एक माइनस हो जाता है ना। अब आप देख करके एकदम से आंसर निकाल सकते हो कि ये चीज जो नंबर है वो तो यहाँ पे आने आनी है। और क्या करना है, 2 की पावर उतनी लिखनी है जितनी बार भी आया, 1 2 3 4 5 6 आया, 2 की पावर 6 कर लो आप, 64 हो गया ना, तो 64 को अपान कर दो, एक कम करके ऊपर रख दो बस। जैसे कि दूसरा अगर हम एग्जाम्पल आपको दें, जैसे यहाँ पे 3 है, स्क्वायर रूट 3 है, चलिए ऊपर लिखता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है स्क्वायर रूट थ्री, कितनी बार है, 4 टाइम है, तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को निकालना है, 3 लिख दिया। फिर क्या करना है, इसकी पावर में कोई चीज आएगी, 2 की पावर कितनी आएगी, 4 यानी कि 16, ऊपर क्या रहेगा, 15 आंसर आएगा। आसान है, इस तरीके से हम अपने ऐसे क्वेश्चनों को हम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 25 प्लस स्क्वायर रूट 108 प्लस स्क्वायर रूट 154 प्लस स्क्वायर रूट 225। जी क्वेश्चन है आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, आप हमको बताएं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना हमेशा इधर से हम करेंगे, राइट साइड से, और देखो यहाँ से करना हम स्टार्ट करते हैं, ये किसका वर्ग होता है, यानी किसका वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 15 हो गया, 15 और इसको जब मिलाएंगे तो 169 आ जाएगा, कितना आएगा, 169 आएगा, ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में एक कितना 8 और मिला लेंगे, तो 13 और 108 कितना हुआ, 125 होगा भाई, 13 और 108 को मिलाना है आपको, हाँ क्यों नहीं होगा, नहीं 121 हो जाएगा, 121 हुआ, यानी 11 आ जाएगा, यहाँ से 121 होगा तो कितना मिलेगा आपको, 11 मिलेगा, 11 और ये 25 कितना हुआ, 36 हो जाएगा, 36 हो गया, नहीं होगा, 36 हो गया, अब यहाँ पर 36 हुआ तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, इसका हम इसका रूट ले लेंगे ना, वर्गमूल ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका 6 आया तो 6 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, वर्गमूल कितना आएगा, 4, तो 4 आंसर आएगा, आसान है। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, इसका वर्गमूल कितना हुआ, 15 हो गया, 15 हुआ,
हिंदी वाले बच्चे समझ लें, 15 हुआ, 15 के बाद इसमें जब 15 आप जोड़ोगे तो 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो 13 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 121, 121, 121 और ये जो 121 का वर्गमूल 11, 11 हो जाएगा, 11 और इनको जोड़ोगे तो 36, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा ना, और 6 इसमें जुड़ जाएगा तो 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है क्या हमारा, आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। तो गो फॉर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है 14, कौन सा है 14, कह रहे कि 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। फिच नंबर इज मल्टीप्लाई इंटू 294 देन इट इज बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ये हुआ कि इस नंबर में हम किस छोटी 194 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 194 नहीं 294 में किस छोटी संख्या से विच स्मॉलेस्ट नंबर कह लीजिए, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर, विच स्मॉलेस्ट नंबर किस छोटी से छोटी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करें दीजिए हमारी क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे जल्दी से हम लोग, 294 के फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद क्योंकि हमें क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो दो दो के पेयर बनाने हैं, तो जिस चीज का पेयर नहीं बनेगा हम पेयर अपनी तरफ से बना लेंगे, वही जिस जो हमने अपनी तरफ से नंबर बढ़ाया वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसके पहले हम फैक्टर करते हैं, 294 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 बन जाए 2, 2 4 जा 9, 2 से बन जाए, ठीक है। अब हाँ तो 7 से देख लेते हैं, 7 2 जा 7 बन जाए, 7 3 जा, ठीक है। अब 3 से कर दो, 3 बन जा 3, अब पेयर बना लो, इसका पेयर बन गया है ना, लेकिन इनका पेयर नहीं बन रहा, तो इसमें हमने अपनी तरफ से दो की मल्टीप्लाई दी है, जैसे कि है हमारी क्या है 294 है, इसे लिख सकते हो 277 और 3, ये है हमने क्या किया इसमें मल्टीप्लाई कर दी 2 की, इससे इसका पेयर बन जाएगा, फिर हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी 3 इसकी, इसका पेयर बन गया, तो हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई इसकी की इसकी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर में क्या आएगा 2 × 3 यानी कि 6 हमारा आंसर आ जाएगा, तो छोटी छोटी नंबर कौन सी होगी 6 हो जाएगी, ठीक है। हाँ ऐसे ही आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन ऐसे ही है आपका बिल्कुल, वो आपका होमवर्क हो जाएगा, कहने कि 2205 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए, इसको किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि हमारे पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या भाग किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि कैसी बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग अभी गुणा करनी थी मल्टीप्लाई करनी थी, हमको क्या करना है भाग देना है, जब भाग देना है तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे, जो नंबर एक्स्ट्रा होंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे कि अभी 294 था तो इसके फैक्टर आए थे 7, 7, 2 और 3, तो इस पर हम भाग देना तो इससे इसी से भाग दे दो तो ही कट जाएगी और आपकी जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। तो अब की बात आपको जो नंबर बच जाए पेयर इसके नाम में वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, हम लिख के दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन। हाँ वाई विच स्मॉलेस्ट नंबर
विच स्मॉलेस्ट नंबर द नंबर द नंबर 2205 इज डिवाइडेड इज डिवाइडेड देन इट इज बिकम परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बाकी आप लोगों के पास बुक होगी तो वहां से आप पढ़ी सकते हैं, ठीक है। तो मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, जो बच्चे हैं अपना आप लिख सकते हैं, या उनके पास बुक है, बुक नहीं है तो अपना खरीदो, ठीक है। बगैर बुक से काम नहीं चलने वाला ना, मैं सारे कुछ नहीं लगवाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि सारे लगवाऊंगा तो बहुत समय लगने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो, जो एक पूर्ण वर्ग हो, पांच अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर जो कि पूर्ण वर्ग हो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 16। ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर डेट इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पांच अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब ऐसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि हमारी पांच अंकों की संख्या क्या होती है, पांच अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या होती है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होती है 9999 होगी। अब भी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, इसके हम फैक्टर कर ले, पेयर बना ले, है ना। और जो नंबर क्या करना चाहिए, अगर आपने फैक्टर की है तो फिर आपका हम डिवाइड करने पर काम चल जाएगा, ये पता लग जाएगा किस नंबर से डिवाइड करें। जी आपकी सबसे बड़ी नंबर है पांच अंकों की, तो हमको क्या करना है इसमें, इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं, डिवीजन मेथड से। और जो नंबर हमारा रिमाइंडर हो, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं इस चीज़ को, ऊपर लिखेंगे इस चीज़ को हम, ये 9999 और 9 इधर से पेयर बना लेते हैं, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। अब इसका हम लोग निकालना है स्क्वायर रूट। तो एक जी नंबर अभी बची है हमारे पेयर बनाने के बाद, तो एक ऐसे नंबर लिखो कि इसका स्क्वायर करें 9 हो जाए, तो वो नंबर 3 होगी। 3 यहाँ पर आप लिख दो, 3 यहाँ पर भी लिख दो, 3 यहाँ पर भी लिख दो, ऐसे एक लाइन बना, इनकी भी मल्टीप्लाई होती है 3 या 9 9 हो गया। अब इन्हीं को ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ 6 को यहाँ रख दिया आप, ठीक है। अब इसमें से माइनस किया जाता है तो कुछ बचेगा नहीं, तो पूरा यहाँ पेयर ही आता है। स्क्वायर रूट जो हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें यही होता है, पूरा पेयर आता है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर कोई नंबर डालना होता है, जैसे हमने 1 डाल दिया तो यहाँ पर, और यहाँ पर 1 डालना होता है तो सही रहेगा। अगर हम यहाँ पे 2 डाल दें तो यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा, यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना। अच्छा तो 1 डाल दें, क्या डाल दें यहाँ पर, 1। तो अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 61। फिर इसको ऐड कर दिया जाता है तो कितना हुआ 62।
अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे एट बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, थ्री बचेगा, कितना बचेगा थ्री। अब तो भाई एक बार भी नहीं जा सकता है ना, तो ये चीज़ हमारी रिमाइंडर बच रही है ना, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, जो हमारी पहले ओरिजिनल नंबर थी उसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें किसको, 38 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो थी हमारी पहले वाली नंबर, अब हम चलो ऐसे लिखेंगे क्या हमारा आंसर होगा, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर फाइव डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर कितनी होगी, 9999 माइनस का 38, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16, फिर 999 ये आंसर। लेकिन अभी एक पेयर बाकी है भाई, रुकिए रुकिए रुकिए, एक पेयर में बाकी है, अभी मैंने इसको तो लिया नहीं है, तो इसको भी तो लाना है, इसको भी लाना है भाई जी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या नंबर डालना है, जैसे एक बार डाला तब तो इतनी 621 और ये कितना 3000 के आसपास, तो यहाँ पे कोई नंबर डालना है, दो डाल दोगे तो दो से करोगे 1200 हो जाएगा, ऐसे करके या फिर एक तरीका और होता है वो क्या होता है, ये मान लो ये नंबर हमारे पास नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये नंबर हमारे पास है नहीं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए नंबर नहीं इतनी है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये जो आपका 60 मान सकते हो, उसको 60 का इसमें कितनी बार जा सकता है भाई, ये 400 मान लीजिएगा आप, तो 400 में 60 का कितनी बार जा सकता है, एक टाइम जा नहीं पाया क्योंकि एक टाइम कितना हो जाएगा 48, 480 बजाय ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 7 टाइम देख ले रहे वो, हाँ 7 टाइम देख ले रहे हैं, 7 टाइम, अब यहाँ पर नाइन गायब किया था वो हम लिख देंगे, ठीक है, कि हमने अभी माना था कि है नहीं, तो हम दोबारा से लिखना पड़ेगा हमको, बस एक समझना है कि हमारे पास है नहीं, क्योंकि आइडिया लग जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा नहीं बिल्कुल आप गायब कर दो, ऐसा नहीं है। अच्छा तो 7 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, अब इनकी मर्जी बताए, 7 7 9 49 4 कैरी हुआ, 14 हुए 14 और 4 8 हो गया, फिर भैया 42 और 1 45 है ना, माइनस करेंगे अपन यहाँ से तो 0 1 1 और यहाँ पर कितना बचा 3, ठीक है, और कितना 2 बचेगा, तो जी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बच गया, तो बहुत ज़्यादा बच गया भाई, बहुत ज़्यादा क्यों बचा, 3899 हुआ है, और 7 टाइम हमने किया तो कहीं मल्टीप्लाई गलत नहीं है, हाँ ये बिल्कुल गलत है, 42 होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना भाई, 7 नहीं जा पाएगा, 60 टाइम जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है, हाँ एक बार करके देख लीजिएगा, आप इसकी इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 × 12 × 3 = 15 हुआ, 36 होगा ना, 36 और 37 हो जाएगा, अब हम लोग माइनस करेंगे तो 341 ये बचेगा, अब आपका आंसर आ जाएगा, जो नंबर हमारी थी 9999 माइनस का 143, अब आंसर आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 5 और 8 और 9 है,
अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये बात समझ में आ गई होगी, इसके नहीं समझ में आती है तो वो पूछ सकता है। आगे हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमसे, बहुत जल्दी से वो भी जान लीजिए। क्वेश्चन है आपका 0.00064 का क्यूब रूट। इसका लगा है क्यूब रूट, डालते क्या होगा? बहुत आसान है, इसका क्या होता है? 8 होता है। पॉइंट कितने के बाद लगेगा? क्यूब रूट है तो 6 के बाद खुलना है, 3 के बाद लग जाएगा। 1, 2, 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, और कल से देखो आपको शाम को और एक वीडियो मिल जाएगा, तो अभी हम इसको अपनी क्लास को यहीं पर रखते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।